अगर आप अपने ट्विटर का यूजर नेम चेंज करना चाहते हो तो इस वीडियो पे बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ट्विटर का यूजर नेम चेंज किया जाता है। नाम चेंज करने के लिए आपको अपने ट्विटर में जाना होगा। ट्विटर पे अपने क्लिक करता हूँ मैं। मैंने अपने ट्विटर पे क्लिक किया। ट्विटर पे क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको कोने पर आपके ट्विटर का लोगो दिख जाएगा, जो भी आपने फोटो लगाया होगा। तो मेरा ये दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखते हो मेरा ट्विटर नेम लिखा मिल जाता है और नीचे ये दोस्तों @ करके ये मेरा ट्विटर यूजर नेम लिखा मिल जाता है। तो मैं अब इसको चेंज करके दिखाता हूँ किस तरह से चेंज किया जाता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर मिल जाएगा सेटिंग एज सपोर्ट का ऑप्शन, तो इस पर होगा कर रहा क्लिक। तो मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर फिर ऑप्शन दिख जाएगा सेटिंग एंड प्राइवेसी और हेल्प सेंटर। तो यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी पे करना होगा क्लिक। मैंने किया क्लिक। और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखते हो इस तरह से पेज आएगा। यहाँ पर योर अकाउंट के ऑप्शन पे करना होगा क्लिक। और यहाँ पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन सबसे ऊपर ही मिल जाता है, तो इस पर क्लिक करना होगा। तो मैं चलिए इस पर क्लिक करता हूँ। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखते हो यूज़र नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, कंट्री, जो भी चेंज करना चाहते हो यहाँ से सारी चीज़ चेंज कर सकते हो। तो मैंने बताया था इस वीडियो में मैं आपको यूज़र नेम चेंज करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं अपने यूज़र नेम वाले ऑप्शन पे करता हूँ क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखते हो एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर करेक्ट लिखा मिल जाता है और यहाँ पर लिखा मिल जाता है न्यू। यानी कि अब यहाँ पर जो करेक्ट यूजर नेम है वो ऊपर दिख रहा है, न्यू यूजर नेम में भी वही यूजर नेम दिख रहा है जो मेरे ट्विटर अकाउंट का यूजर नेम है। लेकिन अब मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको कट करता हूँ और मैं कुछ भी रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ। यहाँ पर देखते हो टच प्लस 11 हटा दिया जो लास्ट में 11 लिखा था। तो यहाँ पर देखते हो लिख के आ रहा है यूजर नेम हास ऑलरेडी बीन टेकन, इस तरह से लिख के आ रहा है। और यहाँ पर आप इसको हटाकर कुछ भी लिख सकते हो। और जो ये @ है ये नहीं हटेगा, ये कंपलसरी होता है। यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहते हो, जैसे मैं लिख लेता हूँ अपना नाम लिख लेता हूँ यस दीप। तो जैसे मैंने संदीप लिखा मैंने अपना नाम, तो इस नाम से यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, किसी ने ये यूजर नेम ले लिया है। तो यहाँ पर मैं कुछ और लिख के देखता हूँ HA। थोड़ी देर ऐसे रुकेंगे। रुकने के बाद यहाँ पर देखते हो फिर इसने सर्च कर लिया, नहीं इस नाम से अवेलेबल है। तो यहाँ पर फिर लिखता हूँ R, फिर देखता हूँ इस नाम से शायद मिल जाए, नहीं मिला, इस नाम से भी नहीं है। D देख सकते हो संदीप हार्ड, जैसे ही संदीप हार्ड लिखा तो इस नाम से अवेलेबल है और यहाँ पर देखते हो ग्रीन कलर में टिक लग के आ चुका है। तो इस नाम से मैं लेना चाहता हूँ तो इसको मैं ले सकता हूँ। यहाँ पर डन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा और जो टच प्लस गहरा है वो मेरा हट जाएगा। तो इस तरह से आप अपना यूजर नेम चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको इतना ध्यान रहे यहाँ पर जो यूजर नेम लिखा होता है ये स्पेस यहाँ पर नहीं देना होता है। तो आप कुछ भी लिख रहे हैं तो आपको उसके अंदर स्पेस नहीं देना है। अगर स्पेस देंगे तो आपको यहाँ पर जो यूजर नेम है वो नहीं मिल पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपने समझ लिया होगा किस तरह से अपने ट्विटर अकाउंट का यूजर नेम चेंज करते हैं। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो इस तरह के अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।